वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इन्हां दिनां दे विच एक चर्चा चल रही है जिहदे विच सिखां दे आगू मास्टर तारा सिंह जी अते सावरकर का संबंध दर्शाया जा रहा। महात्मा गांधी के कतल तो बाद यह गल कही जा रही है कि सावरकर दे वास्ते मास्टर तारा सिंह जी ने वकालत की है, उन्हां दा केस लड़िया। ये गल उस दिन ते की जा रही है जिस दिन मोदी ते सिखां दे नाम की एक किताब जारी की जाती है दिल्ली के अंदर। तो उत्थे सरदार त्रिलोचन सिंह जिहड़े कि घट गिणती कमीशन के चेयरमैन रहे, बुद्धिजीवी तौर पर जाने जाते हैं, वो स्टेज पर यह गल खुल के करते हैं। जदों कि अज इस गल का पूर्ण तौर पर खुलासा उन्होंने परिवार बीबी किरण जोत कौर जो कि परिवार के मैंबर श्रोमणी कमेटी मैंबर ने, उन्होंने इस गल का पूर्ण तौर पर खंडन किया कि इस गल का कोई मतलब नहीं। जदों कि मास्टर तारा सिंह जी की गिरफ्तारी इस करके हुई सी कि जेड़ा नेहरू गांधी होना ने जदों सिखां नाल कीते वादे तों मुकरे तो सिखां वालों एक दिल्ली विच सिख समागम रख्या गया सी जिस दे लई मास्टर तारा सिंह रेल नहीं जा रहे सी, नरेला स्टेशन ते उन्हां नूं गिरफ्तार किया गया। यह भी इतिहास दसदा है कि सब तो पहले जिहड़े सियासी देश की आजादी तो बाद कोई सियासी कहते हैं फड़ो फड़ी हुई पहला मास्टर तारा सिंह जी का नाम आता। ये गल जिहड़ी आ किसी तरह इतिहास के अज तक दिखाई नहीं दी, तो ये गल दे विच्चों एक दिखाई दे रही है कि इत्थे इतिहास नूं बिगाड़ के पेश करन दी जिहड़ी आ साजिश की जा रही है। साडा कहना इहदा ये मतलब नहीं है कि इत्थे हिंदू सिख का कोई फर्क है, पर सिखां दी कुरबानी नूं घटाया जा रहा तो दूसरे लोगों की कुरबानी जिहड़ी आ उस नूं वड्डियां करके इहनूं जोड़िया जा रहा। तो यह कहा जा रहा कि सिख ते आर एस एस जिहड़े आ इह इकट्ठे होकर देश की लड़ाई लड़ी है। सानू नहीं इतराज को किसी की गल करता करे, पर सिखां दी कुरबानी नूं घटाउण दी जिहड़ी ये गल चल रही है ये किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं। भावें कि ये गल की चर्चा है कई हलकों के विच कि मास्टर तारा सिंह जी होरां ने देश की आजादी वेले सानू जिहड़ा वखरा खिता मिलदा सी उदों उन्हां दा यह फैसला चंगा सी जां माड़ा सी ये अपने आप दे विच एक विचार है, चर्चा वा। पर मास्टर तारा सिंह उस समय अकाली दल दे प्रधान सन ते श्रोमणी कमेटी दे प्रधान सन, उन्हां दी जिहड़ी गिरफ्तारी है वह सिखी जिहड़े विश्वास जिहड़ा विश्वासघात किया सी नेहरू गांधी होना ने उन्हां दे खिलाफ उन्हां दी गिरफ्तारी सी। तो अज यह गल समझी जा रही है कि कुछ लोगों की खुशामदीद करने वास्ते जिहड़े आ सरदार त्रिलोचन सिंह जी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिहड़ी किसी भी तरह जिहड़ी आ चंगी नहीं है, क्योंकि उन्होंने परिवार के वलों भी इस गल नूं डट के नकारिया गया। तो असीं यह चाहवांगे कि सरदार त्रिलोचन सिंह इस तरह दियां अजोड़ इतिहासक घटनावां ना करन जिहदे नाल सिखां दे मन ते ठेस पहुंचदी है।